हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स अपने इस चैनल एवरीडे फोकस में। दोस्तों, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ फिर से हाजिर हूं और आज बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, SBI की तरफ से PO की भर्ती आ चुकी है, जिसके लिए पद रखी गई है फ्रेंड्स 2000। जी हाँ दोस्तों, अब की बार SBI ने भर्ती निकाला है PO के लिए, जो कि पद रखी गई है 2000, जिसमें वेतन आपको मिलेंगे लगभग 50,000 रुपये और सिर्फ BA पास। जो कैंडिडेट सिर्फ BA पास है किसी भी सब्जेक्ट से, ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर आप BA पास है किसी भी सब्जेक्ट से, हिंदी, गृह विज्ञान, इंग्लिश, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप BA पास है, ओनली फॉर BA पास, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो फ्रेंड्स। और इसी वीडियो में बात करूंगा कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, फीस क्या है, ठीक है, कब से ऑनलाइन शुरू है, कब तक लास्ट डेट है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक आप लोग जरूर देखेंगे और वीडियो को आप लोग एक बार जरूर लाइक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल का बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद आपका थोड़ा इंट्रो करूंगा, इंट्रो करने के बाद फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलूंगा। तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए सबसे पहले। तो प्यारे फ्रेंड्स, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देखिए 2 अप्रैल 2019 से लेकर 22 अप्रैल 2019 तक आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। 2 अप्रैल 2019 से लेकर 22 अप्रैल 2019 तक आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। चलिए अब आपका इंट्रो कर देते हैं सरकार रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैं इस समय सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और सरकारी रिजल्ट के कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मैं वीडियो बनाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग यहां पे देख सकते हो SBI PO रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2019 2 अप्रैल 2019 8:19 की ये न्यूज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI SO आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए निकाली गई है, PO के लिए निकाली गई है वैकेंसी फ्रेंड्स, ठीक है। चलो अब आपका इंट्रो हो गया, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। तो नोटिस नंबर आप लोग देख सकते हो CRPD PO/2019/20/1 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे और अप्लीकेशन फीस भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो अप्लीकेशन फीस जनरल और OBC के लिए 750 रुपये लग रहे हैं और SC ST PH के लिए 125 रुपये लग रहे हैं। अगर टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो PO के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल पोस्ट है 2000, मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए आपकी एज और मैक्सिमम 30 ईयर्स, जिसमें ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है। तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। इसके अलावा आप लोग एज रिलेशन रूल को देख सकते हो, जो मैंने बता दिया SC ST वालों के लिए कितना साल का छूट है, यानी अगर आप SC ST से हैं तो आपका 35 साल, अगर आप SC ST से हैं तो 35 साल और अगर आप OBC है तो 33 ईयर्स, यानी 21 से 33 साल का होना चाहिए OBC के लिए और 21 से 35 साल होना चाहिए SC ST के लिए। जनरल के लिए होना चाहिए 21 से 30 ईयर्स। अब बात करते हैं वैकेंसी जो है, मतलब क्या नाम है, वाइज वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, जनरल के लिए 810 पोस्ट निकाली गई है, EWS के लिए 200, OBC के लिए 1280 पोस्ट निकाली गई है, SC के लिए 300, ST के लिए 150 और बैकलॉग के लिए 53, टोटल पोस्ट 2000 निकाली गई है। चलिए अब आपको फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ फ्रेंड्स, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पे पूरा डिस्कशन किया जाएगा कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ, अब अच्छे से समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस अच्छे से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो मैं अच्छे से बताऊँगा, डिस्कशन करूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए, ये वैकेंसी है SBI PO की फ्रेंड्स। अब बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में जो हमें जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, 2 अप्रैल 2019 से लेकर 22 अप्रैल 2019 तक आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। और पेमेंट की बात करें तो पेमेंट भी आप लोग 22 अप्रैल 2019 तक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन। तो जो प्री एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसके लिए आप लोग कॉल लेटर या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो मई के थ्री वीक में या 20-21 मई तक आप लोग
20-21 मई तक आप लोग ठीक है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो प्री के लिए। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम होगा 8, 9, 15, 16 जून को होगा। ध्यान से सुन लीजिए, 8, 9, 15, 16 जून 2019 को आपका ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम होगा और 20-21 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दी जाएगी। उसके बाद जो रिजल्ट आपका प्री का होगा, मतलब रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन, ठीक है, प्री का जो रिजल्ट आएगा दोस्तों 1 वीक ऑफ जुलाई 2019 यानी 7 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा प्री का। उसके बाद 2 जुलाई से आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा मेंस के लिए, और जो मेंस का एग्ज़ाम रखा गया है 20-7-2019 यानी कि 20 जुलाई को आपका एग्ज़ाम भी होगा। 20 जुलाई 2019 को आपका मेंस एग्ज़ाम होगा और 7 जुलाई को आपका मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 7 जुलाई नहीं दोस्तों, 14 जुलाई को, 14 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और 7 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी होगा प्री का। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें तो जो मेंस का रिजल्ट आएगा, मेंस का रिजल्ट 3 वीक ऑफ अगस्त यानी 20 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, मेंस का जो रिजल्ट आएगा 3 अगस्त 2019, 3 वीक यानी कि 20 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद कॉल लेटर फॉर ग्रुप एक्सरसाइजेज या इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए आपका 4 वीक ऑफ अगस्त 2019 रखी गई है, और कंडक्ट ऑफ ग्रुप इंटरव्यू के लिए तो सितंबर 2019 में, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा यानी 15 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी कुछ दोस्तों डेट, उसके बाद वैकेंसी की मैंने डिस्कशन कर लिया है, अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियल कह दी गई है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी या एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर इन द फाइनल ईयर्स या सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यानी फ्रेंड्स बोला गया है कि अगर आप बीए के तीसरे साल में हो या बीए के फाइनल ईयर में हो, है ना, या लास्ट सेमेस्टर में अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, बीए कर रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हो, अगर आप बीटेक के चौथे सॉरी अगर आप बीटेक के फोर्थ ईयर में हो या किसी भी इक्विवेलेंट हो, है ना, लास्ट सेमेस्टर का अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब भी आपको फॉर्म भरना, आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। इंटरव्यू के समय अगर आपके पास ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे सकते हो तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो निश्चिंत होकर। तो इसमें अगर आप लोग बीटेक या बीए या बीएससी कोई भी, बस आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। प्यारे फ्रेंड्स अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों प्री के लिए जो रखी गई है, ठीक है, जो प्री के लिए रखी गई है सिलेबस, यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, तो जो प्री के लिए रखी गई है वह रखी गई है 3 सेक्शन में। पहले सेक्शन में इंग्लिश पूछा जाएगा, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, तीसरे नंबर पर रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाएगा। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसके लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा यानी 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर का इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो इसमें क्वालिफाई होंगे प्री में, अगर वैकेंसी आती है, सॉरी, जो कैंडिडेट है, यहाँ पे पहले बार ध्यान से देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिक ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर इन द प्री एग्जाम, देयर विल बी नंबर सेक्शन कट ऑफ कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी वैकेंसी का 10 गुना लोगों को प्री में क्वालिफाई किया जाएगा। अगर 2000 वैकेंसी है तो इसका 10 गुना 10 × 20 यानी 20,000 बच्चों को प्री में क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। और जो मेंस एग्ज़ाम होगा वह मेंस एग्ज़ाम 200 नंबर का होगा, जिसमें से रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर का, और डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन 60 नंबर का,
और जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, जिसके लिए 35 मिनट टाइम मिलेगा आपको। और इंग्लिश से पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन 40 नंबर का, 40 मिनट आपको टाइम मिलेगा। तो 155 क्वेश्चन 200 नंबर का 3 घंटे में आपको करना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका होगा, उसके बाद मेंस का फर्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट्स ड्यूरेशन विथ 2 क्वेश्चन ऑफ फॉर 50 मार्क्स विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग या एस्से। आपको दोस्तों एस्से राइटिंग लिखना रहेगा, निबंध लिखना रहेगा या आपको पत्र लिखना रहेगा। 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 नंबर का होगा और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो ये मेंस का सिलेबस है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें दोस्तों जो प्री में क्वालिफाई होगा और जो मेंस में 3 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है, 3 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइजेज का जो रखा गया है, इंटरव्यू का 30 मार्क्स और एक्सरसाइज का जो रखा गया मार्क्स 20 नंबर का एक्सरसाइजेज मार्क्स है और इंटरव्यू मार्क्स 30 मार्क्स है, ठीक है। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो द मार्क्स ऑब्टेंड द प्री एग्जामिनेशन फेस वन विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग, यानी फ्रेंड्स जो प्री होगा आपका वह सिर्फ क्वालिफाई होगा, जो प्री आपका क्वालिफाई होगा, बाकी सारे एग्जाम मेंस का, डिस्क्रिप्टिव का और ठीक है इंटरव्यू का, ये सब मार्क्स ऐड होकर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे देख सकते हो 250 मार्क्स। तो मार्क्स सिक्योर्ड बाई द कैंडिडेट इन द मेन एग्जामिनेशन आर कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 75 मार्क्स एंड ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट आउट ऑफ 50 मार्क्स आर कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 25 मार्क्स। द फाइनल मेरिट लिस्ट इज अराइव्ड एट आफ्टर एग्रीगेटिंग आउट ऑफ 100 कन्वर्टेड मार्क्स ऑफ मेन्स एग्जामिनेशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम द टॉप मेरिट रैंकड कैंडिडेट इच कैटेगरी, यानी फ्रेंड्स जो आपका मेन्स एग्जाम होगा, मेन्स के बाद जो आपका एक्सरसाइज और इंटरव्यू होगा, ये दो ही मार्क्स का नंबर आपका जुड़ेगा। बाकी जो आप प्री एग्जाम देंगे वह सिर्फ क्वालिफाई है, तो सिर्फ प्री क्वालिफाई है, बाकी मेन पॉइंट आपका है मेन्स और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू, ठीक है फ्रेंड्स। सेंटर के बारे में बात करें तो आप लोग नीचे देख सकते हो जाके सेंटर, और अगर वहीं वैकेंसी जो आप लोग देख सकते हो पेमेंट, तो यहाँ पे पेमेंट आप लोग देख सकते हो 42 फिलहाल अगर सब कुछ मिलाया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो 8.20 लाख एंड मैक्सिमम 13.08 लाख से डिपेंडिंग ऑन प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो दोस्तों जो आपका डिपेंड करेगा प्लेस के बारे में, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी उस पर आपका वेतन निर्भर करेगा, ठीक है, अलग अलग जगहों पर। जैसे नीचे दिखा रहा हूँ आपको, नीचे दिखा रहा हूँ सेंटर देख सकते हो, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम के लिए जो बिहार रखा गया है, बिहार में है, पटना है, समस्तीपुर है, सिवान है, दरभंगा है, गया है, मुजफ्फरपुर है, ये सब सेंटर है। चंडीगढ़ का आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ का देख सकते हो आप लोग, अपने स्टेट का आप लोग सेंटर देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इस समय मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हो। तो मैंने पैटर्न बता दिया आपको, सिलेबस बता दिया, फीस भी बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सिलेबस का और पैटर्न का अलग से एक वीडियो बनाऊँगा अच्छी तरह से एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगर आप लोग BA पास हो तो आप लोग फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर दीजिए, SBI PO बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।